गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू द मैथ्स क्लास सो इन टूडेज़ मैथ्स लेक्चर आई हैव सेंट यूर वर्कशीट इन विच यू हैव टू अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो हमने चैप्टर नंबर टू के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर किया था तो so, अब आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर अपनी नोटबुक पे करना है फ्योर नोटबुक पे ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है आपको कुछ नंबर्स दिए होते हैं आपको उनको अरेंज करना है किस तरह से अरेंज करना है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आता है सबसे बड़ा नंबर फिर उससे छोटा नंबर फिर उससे छोटा एंड सोन असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले आता है लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसका पहला डिजिट सबसे बड़ा होगा तो इसका पहला डिजिट फाइव है इसका फोर है इसका वन है और इसका नाइन है तो ये नाइन वाला नंबर सबसे बड़ा होगा तो सबसे पहले आएगा नाइन हंड्रेड सेवेंटी वन फिर इससे छोटा नंबर अब ये तो हो गया इसको हम कर देंगे कैंसिल उसके बाद तीन नंबर्स बचे हमारे पास तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा फाइव वाला फोर वाला या वन वाला फाइव वाला क्योंकि इन तीनों में से तो ये बड़ा नंबर है तो फिर आएगा फाइव हंड्रेड एट उसके बाद ये दोनों नंबर्स बचेंगे इनमें से कौन सा बड़ा है फोर हंड्रेड सिक्स तो यहाँ पे आएगा फोर हंड्रेड सिक्स और लास्ट में जो सबसे छोटा नंबर है वो है वन हंड्रेड थ्री तो यहाँ पे आएगा वन हंड्रेड थ्री तो इस तरह से ये इन नंबर्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सो प्लीज़ कंप्लीट दिस वर्कशीट ऑन योर फेयर नोटबुक अलॉन्ग विद दिस मैंने आपको टेबल सेंड किए हैं फ्रॉम सिक्स टू टेन वो सारे टेबल्स आपको लर्न करके अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करने हैं हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी किया था इस सेमेस्टर में भी आपको अच्छे से सारे टेबल्स लर्न करके अपनी नोटबुक पर क्या करने हैं राइट करने हैं सो प्लीज़ कम्प्लीट योर वर्क इन नीट हैंड राइटिंग थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे